तो उसका पॉइंट ये था कि अगर नो वेट 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 अबे साले बट आई एम नॉट गुड फॉर यू मैन. आई डोंट मीन कि आई एम नॉट मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली पीपल जो खाना खाते हुए कोई भी चीज़ खाते हुए वो दुआ बनाते हैं. सो आई कैंट कितना अजीब सा लग रहा है ना. आई वॉज मेकिंग अ वीडियो. आई एम श्योर मेरी पोनी नजर नहीं आई होगी. सो या कैन यू सी इट. या आई कांट. आई रिमेम्बर वेयरिंग दिस एंड मैंने अपनी बहन की वलीमे पे बना था ये, व्हिच वाज बैक इन 2019. और मैं एक स्टोरी सुना रहा था अबाउट हाउ आई लॉस्ट माय फोन. तो या आई हैव बीन मीनिंग टू मेक अ वीडियो अबाउट इट कि दास्तानी जिंदगी. यार आई रियलाइज कि सूट कितना छोटा हो गया मुझे. नॉट दिस वन, दिस वन. ये मेरे ओ लेवल्स, ए लेवल्स, हाँ नहीं ए लेवल्स के फेयरवेल का था शायद. मतलब हमारे फेयरवेल का नहीं था शायद, या हमारे फेयरवेल का था. आई डोंट नो. कभी ए लेवल्स को फेयर ही नहीं मिला वेल के साथ. वेल किस्म का फेयर नहीं मिला. अच्छा उप्स. ओके शायद बहुत पढ़े लिखे हो बहुत यू नो. इट्स प्रिटी सैड हाउ वी ऑल आर हिपोक्रेट्स, लाइक बंच ऑफ फकिंग हिपोक्रेट्स, एंड वी डोंट रियलाइज इट. ये वही वाली बात है कि हमारी सोसाइटी बहुत, आजकल की सोसाइटी है बहुत ज़्यादा इस चीज़ में, मतलब बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. लेकिन सिंस नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट माय वीडियो, सो आई डोंट गिव अ शिट अबाउट टॉकिंग अबाउट एनी फकिंग थिंग. बट है तो बट है. मैं फिर ऑफ टॉपिक हो गया कि हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि बॉडी शेमिंग एंड कलर शेमिंग और रेसिज्म और सेक्सिज्म नहीं होना चाहिए. एंड येट हमारे हम ही वो बच्चे हैं जिनके मतलब हम उन सोसाइटी से निकले हैं. मैं इस बात को एक्सेप्ट बहुत ओपनली कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाया अबाउट रंग शेप या साइज, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑलरेडी मेरे अंदर वो शेप साइज और कलर में थी प्रॉब्लम. तो मैंने प्रॉब्लम अगेन सी इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था. तो इज दैट कि अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, इनसिक्योरिटी थी अबाउट माई शेप साइज एंड कलर और वट्स एवर. तो शायद मैंने इसलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाया. मोस्ट ऑफ द टाइम होता यही है कि जो इनसिक्योर होते हैं वही मजाक उड़ा रहे होते हैं. तो दो ही तरीके होते हैं कोप अप करने के. या तो आप किसी का मजाक नहीं उड़ाते, या फिर आप यू एंड अप बुलिंग अदर पीपल ताकि यू फील वो. क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग के मतलब मैंने अपने बालों से लेके, मैंने शायद ये एक टॉपिक में एक वीडियो में बोला भी था कि मतलब मेरे छोटे लोग कद में दे आर लाइक कि मैं कितना टिडूँ, या जिनके सर पे बाल नहीं है वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बाल बहुत अजीब हैं, या फिर जो मेरे से भी पतले हैं वो कह रहे हैं कि तुम खाना क्यों नहीं खाते. और मतलब यू गेट माई पॉइंट ना. तो द बीबी द थिंग इज दैट कि यू थिंक दैट यू आर जस्ट सेइंग इट एज अ फन और वट सो एवर, बट आई डोंट थिंक सो. मतलब ये वही वाली बात है कि आई रिमेंबर समवन सेइंग आउट लाउड, मुझे नहीं कहा था, टू पीपल वर हैविंग कॉन्वर्सेशन कि यार आजकल सोसाइटी में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हाउ पीपल जज पीपल. आई मीन दे आर सो जजमेंटल एंड स्टफ लाइक दैट. एंड अदर पर्सन वॉज सेइंग के ब्लाह ब्लाह. एंड आउट ऑफ नो वेयर उन दो दो पीपल्स की मेरे से कन्वर्सेशन हुई एंड दे वर जजिंग मी फॉर सर्टन सर्टन थिंग्स. मतलब
जज से मुराद कि वही कंक्लूजन, जजमेंट तो यही होती है ना कि आप एक आप खुद की अपनी ऑब्जर्वेशन से उसको एनालाइज करके एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा सर्टन चीज़ों से है, दैट हैज कॉल्ड जजमेंट. आप अपनी जजमेंट से जजमेंट दे रहे हो और जज कर रहे हो वट एवर. तो मुझे बड़ी, मैंने कहा यार ये तो हिपोक्रेसी या आयरनी की पीक हो गई है ये तो. मतलब ऐसे ऐसे होता है हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली. सो या बंच ऑफ हिपोक्रेट्स मैन. एंड जो मेन मैंने बात करनी थी मैं उस टॉपिक से बिल्कुल हट चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से उस पर वापस आने का कोई तक नहीं बनता, लेकिन अगली वीडियो में हम बात कर सकते हैं कि सेब कैसे खाते हैं. बट सेब खाना चाहिए, अगली वीडियो में हम बात ये कर सकते हैं कि समवन आस्क्ड मी इफ यू कुड से व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, व्हाट वुड यू से. एंड आई वुड से कि एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ